हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के लायक परमेश्वर है। कई बार दिल नहीं भी कर रहा होता ना आपका, यार दिल नहीं करता थैंक यू करूं दा प्रभु नू, किस गलते थैंक यू करा, नहीं भी दिल करता ना फिर भी थैंक यू कर दिया करें, क्योंकि आपके हालात डिफाइन नहीं करते कि वो थैंक यू के योग्य है कि नहीं, क्योंकि वो ऑनरेबल है इसलिए थैंक्स कर दिया करें। हालेलुया। मैं MTM कलीसिया की ओर से, MTM अपोस्टोलिक चर्च मोहाली की ओर से, 380 हाउस चर्चेस की ओर से जिन्हें हमने प्लांट किया है परमेश्वर में होकर, और उन 48,000 औरतों की ओर से जिन्हें हमने अभी तक ट्रेन कर दिया है प्रेयर वॉरियर्स और परमेश्वर की महिमा के लिए, उन सबों की ओर से आपको प्यार भरा सलाम फ्रॉम इंडिया। आए हुए सभी लोगों को परमेश्वर में बहुत बहुत प्यार, और जो लोग हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको छुए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बरकत दे। आपने यूजुअली देखा होगा कि मैं उन वचनों को आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपने कॉमनली बड़ी बार सुने होते हैं, बड़ी बार उन पे आपने प्रचार सुना होता है, बड़ी बार आपने उन्हें पढ़ा होता है, लेकिन उनमें से कुछ नया ही निकल के आता। तो हर बार मुझे कोई ना कोई आके जरूर कहता है, पास्टर नीतू इस बारे में हमने सुना तो इतनी बार हुआ था, लेकिन जो आप बताते हो वो कुछ और ही होता है। मैं कहती हूँ वो रेवलेशन परमेश्वर से आती है। सो कलाम नहीं चेंज होता, कलाम वही रहता है, लेकिन उसको हर बार देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस कलाम को हमारी जिंदगी में भेजते हैं। आमीन। चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करती हूँ हमेशा की तरह। एक बार एक बहुत खूबसूरत गार्डन होता है और उस गार्डन में बहुत सारे खूबसूरत से फूल होते हैं, जाहिर सी बात है। अब लोग वहां दूर दूर से उस गार्डन के फूलों को देखने के लिए आते हैं, और उसमें बहुत प्यारे गुलाब के फूल होते हैं। उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो रोज गार्डन होता है। अब रोज गार्डन होता है तो इतने डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट तरह के रोजेज होते हैं वहां पर, और जब लोग उन रोजेज को देखते हैं तो सब बड़े खुश हो, वाह क्या खूबसूरत रोजेज हैं, क्या खूबसूरत। अभी आपके पास वो था ना, बुके था पास्टर जी, कहाँ है? हाँ जी ये देखें। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के साथ ही समझा देती हूँ। आपको इसमें क्या दिख रहा है? हाँ जी कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं। और कुछ दिख रहा है आपको इसमें? गुलाब दिख रहा है, और और क्या क्या दिख रहा है? पत्ते, शाबाश। हाँ थोड़ा सा और बताएं, और क्या दिख रहा है? लाइट फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स, और देखिए, हाँ देखा, आप नहीं पकड़ पाएंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ, बताएं बताएं। आपने फिर स्टोरी सुन ली होनी है मेरी। नहीं कांटे भी नहीं अभी दिख रहे हैं, कांटे तो छुपे हुए हैं, पर जब लोग आके देखते थे ना वो गुलाबों की खूबसूरती को बयान करते थे, और गुलाबों के साथ लगे हुए पत्ते हमेशा ये कहते थे यार हमें तो कोई देखता ही नहीं है। और एक पत्ता तो इतना डिससैटिस्फाइड था अपनी लाइफ से, वो कहता है यार हर बार ये आते हैं फूलों को देखते हैं, उनकी खूबसूरती का बयान करते हैं, हमें कोई देखता नहीं, नहीं देखना ना देखो, कम से कम अच्छा तो बोल दो हमारे बारे में। बड़ा दुखी, एक बार बड़ी अंधेरी आती, बड़ा तूफान आता है, और उस पूरे तूफान के अंदर पूरा का पूरा गार्डन तहस नहस हो जाता है। पंखुड़ियां कोई इधर जाती कोई उधर जाती है, गुलाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो डंडियां निकल जाती हैं, पत्ते भी निकल जाते हैं, सारी ओर अजीब अफरा तफरी का माहौल, अजीब सा मंजर। उनमें से एक पत्ता पानी में गिर जाता है, बेचारा तैर ही रहा होता है, सोचता है दस ना जिंदा होते हुए कोई फायदा हुआ और ना मरने का कोई फायदा होने वाला है, तो तैर ही रहा होता है तो उसे बचाओ बचाओ की आवाजें आनी शुरू होती हैं। वो इधर उधर देखता है और देखता है कि वहां पर चींटी बैठी हुई है एक, तो चींटी कहती बचाओ बचाओ, तो वो कहता है कि तेरे को क्या बचाना है, मैं तो खुद ही मरने पर हूँ। कहती नहीं बचाओ बचाओ, तो वो तैर के उसके पास पहुंचता है, उसको कहता है अच्छा तू मेरे ऊपर आ जा ताकि एटलीस्ट मैं तेरे को किनारे पर ले जाऊं। जब वो उस चींटी को किनारे पर लेकर जाता है तो चींटी उसको थैंक यू बोलती है और कहती है पता भाई मैं आपको इसलिए थैंक यू कर रही हूँ कि शायद मुझे लगता है कि आपकी क्रिएशन इसी दिन के लिए हुई है कि आप मुझे बचा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो आप हमसे इस कहानी को क्यों शेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं आपको लग सकता है कि आपकी जिंदगी वर्थलेस,
आपको लग सकता है कि कोई आपके कामों को अप्रिशिएट नहीं करता, आपको लग सकता है कि शायद मेरा होना या ना होना किसी को मायने रखता है, किसी के लिए इंपॉर्टेंस का कारण है कि नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप जिंदा हैं, क्योंकि आप पैदा किए गए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनते हुए देखा, इसलिए परमेश्वर की आपकी जिंदगी के लिए एक अच्छी योजना है। आपको समझ नहीं आई? क्योंकि आप हैं, बोले क्योंकि मैं हूं। जो विश्वास करते वो जोर से बोल सकते, बोले क्योंकि मैं हूं। इससे पता चलता है कि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। There is a purpose and a plan of the Lord behind your life. That is the reason why you were born. अगर आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर का कोई पर्पस नहीं होता तो आप जिंदा नहीं होते। हो सकता है कि पैदा होते ही मर जाते, हो सकता है पैदा ही नहीं होते, पर क्योंकि आप हैं इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो आज मैं किसी ऐसे डिस्करेज्ड हार्ट के लिए, किसी ऐसे दिल के लिए जो मायूसी के साथ भरा हुआ है, ये बात कहना चाहूंगी कि आप मायूस मत हो। आपको नहीं पता कि आपका टाइम कब आने वाला है। हालेलुया। और मैं इतना जानती हूं कि हर एक शख्स जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है, परमेश्वर की ओर से अलग किया हुआ होता है, परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है प्रभु यीशु के नाम की, कहीं ना कहीं कभी ना कभी परमेश्वर उसे ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो वापस देखता और कहता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था, वही सिरे का कोना ठहरा। हालेलुया। तो आज बी ब्लेस्ड एंड बी एनकरेज्ड, क्योंकि हमारे खुदावन डिस्करेजमेंट के परमेश्वर नहीं है। He is a faithful God. He is a faithful God. आइए मेरे साथ निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, संत लूका की अंजील, उसका चैप्टर नंबर 9। ग्यारह आयत से पढ़ देंगे। आपने बहुत मर्तबा इस पैसेज को पढ़ा होगा और इसके ऊपर बहुत सारे सर्मन्स को भी आपने सुना होगा। मैं आपको सर्मन नहीं सुनाने आई, मैं आपको रेवलेशन देने आई। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो बोले परमेश्वर मुझसे बात करे। देखिए, जब तक आप नहीं विलिंगली बोलेंगे तब तक काम नहीं होगा। और मैं इतना जानती हूं कि द मोमेंट वी ओपन आवर हार्ट, जिस समय हम, जिस घड़ी हम अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल देते, वहीं से काम शुरू हो जाता है। तो अगर हम तैयार हैं तो बोले हम तैयार हैं। वंडरफुल। देखिए, सबसे पहली चीज जब आप 11 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ आई वो उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जिन्हें चंगाई की जरूरत थी उन्हें चंगा करने लगा। परमेश्वर के वचन की बातें करने लगा और चंगा करने लगा। वचन की बातें और चंगाई, दैट मींस परमेश्वर का वचन सिर्फ बातों में नहीं है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है 1 Corinthians 4:20 में कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, सामर्थ में है।
तो जब आप परमेश्वर के राज्य की बातें करते, सिर्फ यही ना सोचते नहीं, हाँ कोई फर्जी सी बात होगी, हाँ ऐसा हुआ करता था, ऐसे एलिया के दिनों में होता था, ऐसे रसूलों के दिनों में होता था, पता नहीं आज के दिन में होता है कि नहीं होता, जो कल होता था वो आज भी होता है, क्योंकि प्रभु यीशु का रू कल भी वहां काम करता था और आज भी पाक रू यहां पर काम करता। हालेलुया। तो वो बातें भी किया करते थे और उसको डेमोंस्ट्रेट भी किया करते थे। I still remember the days, एक बहुत परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, he's a prophet, he's very very well known, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, I was in USA only at that time, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे मुलाकात की थी, और पता नहीं, there was a spirit connect, और मैंने उन्हें कहा था, prophet, why don't you tell me something important, उन्होंने कहा, नहीं तू, I will just tell you one thing, the gospel that does not have the power of God, the gospel that does not have a power of God is only gossip. It is nothing more than that. और ये बात मैंने पल्ले पकड़ ली, पल्ले बांध ली। मैंने कहा इसका मतलब कि जहां जहां प्रभु के वचन के बारे में बात की जानी चाहिए, वहां पर साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी होनी चाहिए। अगर हम 10th के 9th के बच्चों की बात करते ना, उनके थियोरीज के एग्जाम्स भी होते हैं, उनके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स भी होते हैं, तो वो सीखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या करना था जी, अच्छा फिजिक्स में क्या करना था, जो जो लॉज, जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ऐसा ही होता है जैसा लिखा हुआ है, क्या हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा है वो वैसे ही होता है, तो क्या जो हमारे वचन की किताब में लिखा है ऐसा ही होता है। वी नीड टू सी। क्यों लोग पीछे हो जाते हैं, क्यों लोग भाग जाते हैं, क्यों लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो देखते हैं कि लिखा हुआ कुछ और है पर हो तो रहा नहीं है। एंड ऑन द अदर साइड, एट टाइम्स आवर लाइव्स आर द लिविंग टेस्टिमनीज एंड एग्जांपल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी जैसे भी जी सकते हैं, जी नहीं, ऐसे नहीं जी सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी आंखें आपको वॉच कर रही। आप परमेश्वर की चलती फिरती गवाही है। हो सकता है किसी ने प्रभु यीशु मसीह को कभी ना जाना हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को कभी जाने भी ना, पर क्योंकि आप जान चुके हैं, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर चलते हैं, तो जब वो आपको देखे वो परमेश्वर को देखने चाहिए। इफ योर लाइफ इज नॉट अ लिविंग टेस्टिमनी फॉर द लॉर्ड, प्लीज गेट इट राइट। अगर आज आपको लगता है ओ नहीं यार कोई नहीं, कहन दे मसीहा, कहन दे क्रिश्चियन, ओ कहन दे क्रिश्चियन ना बने, मायने के क्रिश्चियंस बने। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड क्रिश्चियन फॉर माय सेल्फ एंड नो ऑफेंसेस। मैं कहती हूं आपको पता है ये क्रिश्चियन वर्ड कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड है। जब आप कहते हैं ना मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन मतलब मैं क्राइस्ट लाइक हूं, यानी मुझ में वो सारी खूबियां हैं जो खुदावंद यीशु में है। और जब हम अपने को आईने में देखते ना, तो हमें लगता है यार हम में तो कितनी खामियां हैं। आज मैं हर एक को ये बात कहना चाहती हूं कि सिर्फ वचन पढ़ने वाले ना बने। आपके हाँ जी हम तो वचन पर चलते हैं, आपकी चलती हुई जिंदगी उस वचन को दिखानी चाहिए। यू शुड बी द वॉकिंग गॉस्पल। आई होप आई एम टॉकिंग टू समवन दिस मॉर्निंग। आप सिर्फ नाम के नहीं, आप काम के क्रिश्चियन होने चाहिए। जब हम नतानियल के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह दूर ही से देखकर उसे कहते हैं, वो रहा, ही इज एन इज़राइलीट इंडीड। बताए यहूदी था वो बंदा, और प्रभु कह रहे ये वाक्य में यहूदी है। दसो इसमें क्या बात हुई, कपड़े पहने होंगे उसने यहूदियों वाले, ही वॉज बॉर्न ज्यू, वो उसी कंट्री में पैदा हुआ था, उसकी तो नेशनैलिटी वही थी, सिटीजनशिप वही की थी। आज आप अमेरिका में पैदा होते हैं तो व्हाट शुड आई कॉल यू, यू आर एन अमेरिकन। आज आप इंडिया में पैदा होते हैं तो व्हाट शुड आई कॉल यू, यू आर एन इंडियन। इफ यू हैव अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री, यू आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, सो यू नोन बाय दैट कंट्री। सो नथानियल, लॉर्ड सेज ही इज अ ज्यू इंडीड। कम ऑन, हाउ, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस। जब मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, ज्यूइश बंदे को ज्यू ही तो कहोगे ना, इंडीड का क्या मतलब होता है। और जब वो परमेश्वर के पास आया, उसने प्रभु के सामने जब खड़ा हुआ, जब प्रभु ने उसे कहा कि मैंने तुझे देखा है, परमेश्वर ने उसके दिल की बात बताई और उसने कहा देखा है, प्रभु कहते जब तू उस पेड़ के नीचे बैठा था मैंने तुझे देखा।
अब उस पेड़ के नीचे बैठा वो क्या कर रहा होगा जो परमेश्वर ने उसे देखा होगा. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है God dwells in the praises of his people, यानी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं उस जगह पर परमेश्वर आ जाते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं. तो मैंने ये अज्यूम किया और मैंने परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगी कि प्रभु इसका मतलब हो सकता है कि वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ आपकी महिमा कर रहा हो. जब वो महिमा कर रहा था आपकी उपस्थिति वहां उतरी, जब उपस्थिति वहां उतरी तो आपने उसको देखा और जब देखा तो दूर ही से आपने उसको पहचान लिया. When God looks at us, he must say he or she is a Christian indeed. Yani ye kaam se hai masihi, sirf naam se nahi. Aur yahan par prabhu yeshu masih sirf kalam ki baatein nahi kar rahe the. Aaroni chalo aaj sare kalam diyan gallan kariye, gallan 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 ch kuch nahi reh janda ji. Gallan de naal parmeshwar da kalam dikhai vi dena shuru hona chahida. और अगर आपकी जिंदगी से परमेश्वर का कलाम दिखाई नहीं दे रहा तो प्लीज अपनी जिंदगी को बदल दें. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन अ लाइफ ऑफ और प्रोबेबली इन अ प्लेस ऑफ और प्रोबेबली इन अ सराउंडिंग ऑफ टेम्पटेशंस. इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो दैट, आई हैव बीन देयर. हम लोग सेक्युलर वर्ल्ड में रह चुके हैं, हम सेक्युलर वर्ल्ड से आए हैं, पर परमेश्वर उन सब चीजों से आपको अलग करते हैं. यू जस्ट नीड टू हैव अ हार्ट ऑफ विलिंगनेस कि प्रभु मैं गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता. और यहां पर लिखा है कि जो लोग चंगे होना चाहते थे प्रभु ने चंगे किया. कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि आपके दोस्त, आपके यार, आपके मित्र, आपके 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 कुलीग्स आपके साथ बैठे और आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, आप कहते हो छोड़ परे यार की है मैं दसना किसी मैं की हाँ. कई बार मेरा बेटा, बड़े वाला बेटा आता है घर पे, ममा वो ना मेरे फ्रेंड्स सारे अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर करते रहते हैं. एक बार उसने कहा, दो बार कहा, मैंने उसको पहले तो कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि चलिए एक बार की बात होगी. उसने दो तीन बार मुझे एक ही बात कही, मम्मा हर बार अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करने लग जाते हैं. देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा बैठ यहाँ पर, मैंने कहा एलेक्स वो इसलिए तेरे साथ चीजों को शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें तेरे में कोई दिखता है जो उनकी प्रॉब्लम्स का हल लेकर आ सकता है. मैंने कहा हर किसी से वो क्यों नहीं शेयर करते, क्योंकि हर किसी के पास उनकी प्रॉब्लम का हल नहीं है. मैंने कहा तो सिर्फ नाम से एलेक्स नहीं दिखना चाहिए, तो काम से परमेश्वर का जन दिखना चाहिए. तो मेरे अजीजों आप में कुछ होना चाहिए जिससे जो लोग थके हारे हैं, जो जो बहुत अपनी जिंदगी से पछताए हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, जो निराश हैं, उन्हें आप में कोई होप दिखनी चाहिए. बोलो पास्टर जी असर आप ही होपलेस होके घूमते रहने, साढ़े जगह की होप दिखनी. आप समझ रहे वेयर दिस थॉट इज कमिंग फ्रॉम? परमेश्वर के लोगों पर अलग नूर दिखना चाहिए. I firmly believe, लोग कहते नहीं जी अब कैसे दिखता है, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, आज दुआ करें जरूर दिखेगा. आपके चेहरे से, आपके कामों से, आपकी हरकतों से, आपके चलने फिरने से परमेश्वर का नूर झलकना चाहिए. और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चंगा करते रहे. दिन से रात हो गई, शाम हो गई, इतनी लेट प्रभु यीशु मसीह के चेले आते, कहते प्रभु लोग भूखे हैं, कुछ ना करो, एक काम करो, इन्हें ना सबको भेज दो, खाना वाना खा के आए, लॉजिंग बोर्डिंग का अपना इंतजाम करें, पास के गांव में चले जाएं. अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने ये बात कही और प्रभु ने जवाब दिया तुम इन्हें कुछ खाने को दो. अब इन दोनों बातों पर आपसे बात करूंगी. देखिए जब आप परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो आपको लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम एरियाज, उनकी जरूरतें नजर आती है जो किसी और को नजर नहीं आती. किसी और ने तो भीड़ में आके नहीं कहा हाँ जी प्रभु जी ऐसे भूखे सानू भेज दो, प्लीज कुछ रोटी राटी का इंतजाम करके आइए. लोगों ने नहीं कहा, चेलों ने कहा. क्यों? क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे. एंड व्हेन यू वॉक क्लोजली इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ साथ होकर चलते हैं आपको लोगों की जरूरतें दिखाई देनी शुरू होती हैं. एक बार और मैं आपको समझा दूं, काफी बार वो जरूरतें जो होती है ना वो क्रिटिकली इवैल्यूएट हो जाती हैं.
अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार कोई बंदे आपको इतने इरिटेटिंग लग सकते हैं और आप घर जाके कहते हैं यार वो इतना इरिटेटिंग है, यार वो इतनी किचकिच करती है। अगर आपको वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपके घर के दूसरे सदस्यों को वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। यू शुड प्रे फॉर इट रादर देन बीइंग क्रिटिकली जजिंग द थिंग्स। यार वो मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको नहीं अच्छा लगता, तो स्टार्ट प्रेइंग अबाउट इट। वो यार बड़ी चिकचिक करती है, चिकचिक करती है तो आपको दिखाई दी, तो आप प्रार्थना करनी शुरू करें उसके लिए। अरे यार वो हर टाइम पैसा मांगता रहता है, आपको दिखाई दिया तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। नहीं यार वो हर टाइम मुझे यूज एंड थ्रो कर देती है, ना, तो फिर आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि उसको परमेश्वर इक्विप करे, ताकि उसको आपको यूज ना करना पड़े। अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ आप ही उस प्रॉब्लम का हल लेकर आ सकते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा वाइफ्स बड़ी जेनरस होती हैं, पति कहते तेरा ही हर वारी दिल करता है हेल्प करने को लोगों की। कई बार हस्बैंड्स बड़े जेनरस होते हैं, वोटी कहते घर पहला देख लो, पहला लोगों को देख लो। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको वो जरूरतें दिखाते हैं, ताकि प्रभु चाहते हैं कि आप उस जरूरत को फुलफिल करें। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? सारी चुप कर गए। मैं क्या ज्यादा शॉकिंग हो गया? हाँ जी पास्टर जी, सबसे बात करें, खुदा का शुक्र है। मैं क्या पता नहीं लोगों ने कहना शौक ही लग गया। और दूसरी चीज, प्रभु कहते हैं तुम उन्हें कुछ खाने को दो। मेरे वर्ग का बंदा होता तो कहना सी प्रभु जी मैं तो टिफन ही नहीं लेके आई, करो मैं सोचा थोड़े नाल चलते सी तो तुसी खवा दोगे। भीड़ भी शायद यही सोच कर आई थी। अब इस बात का ख्याल रखें, यहां पर पूरी भीड़ थी, जहां 5,000 आदमियों के बारे में बात की जा रही है। दैट मींस इतने घराने वहां पर थे, कम से कम और कुछ नहीं, एक बंदे के नाल चार बंदे भी नाल आए हों तो 25,000 बंदा उस जगह दे विच सी। तो 20-25,000 बंदा वहां पर आया। मुझे एक बात बताएं, कोई टिफिन लेके नहीं आया, ऐसे कैसे खाली घर से निकल आए? कल हम न्यूयॉर्क गए और हमारे साथ पास्टर अनीता थी, शायद भाई थे, और पास्टर अनीता साथ में सामान लेके आई। हमने कहा सब कुछ तो वहां मिल जाएगा, कहते नहीं रास्ते में अगर कुछ खाने को मन करे तो वो जो भी स्नैक्स वगैरह थे, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, वो साथ लेकर आई। और आप सोचे इतने हजारों लोगों की भीड़ और कोई भी साथ कुछ लेके नहीं आया, क्या सोच के आ गए होंगे? मुझको कहते ही आ गए, पास्टर जी खवा देंगे खाना। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर से खाने की तवक्कुल रख के नहीं आए थे, वो किसी खाने की उम्मीद से नहीं आए थे, वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे। और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे, इसलिए उनकी फिजिकल नीड्स को भी प्रभु ने पूरा किया। तभी मत्ती रचक सुसमाचार में, मत्ती की अंजील में 6:33 में लिखा है, जब तुम परमेश्वर और उसकी बादशाहत की और उसकी रास्तबाजी की खोज करते हो तो बाकी चीजें क्या करती है, इनाम में, मतलब एवी हुई चुंगा मुंगा आ जाओ जी एनू भी आन दो। यही बात हो गई ना, पहले आप जिन चीजों के पीछे भागते थे, अब आपने भागना बंद कर दिया, आपने डायरेक्शन चेंज करके परमेश्वर के पीछे भागना शुरू किया। दूसरी चीजें कहती हमें भी ले लो साथ में, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो वो खाने का इंतजार नहीं करते हुए आए, वो चीजों को देखते हुए नहीं आए, वो किन्हीं चीजों के बारे में फैंटेसाइज करते हुए नहीं आए, वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उन्हें वचन चाहिए था। और जहां वचन होगा वहां पर बाकी जरूरतें भी पूरी की जाएंगी। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। एक चीज और देखिए, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उस खाने को दिया गया, उन मछलियों को और उन 5 रोटियों को दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, क्या किया? आसमान वाले की किताब शुक्र अदा किया, थैंक यू किया और फिर तोड़ा। अब इस पे मैं बात नहीं करूंगी, शुक्र किया और तोड़ा, उसमें मैं एक सर्मन ऑलरेडी दे चुकी हुई हूं, तो उसके बारे में आज नहीं बताऊंगी। जो मेन बात है, जो अब इस सिलसिले में जो बात बताना चाह रही हूं, वो ये है
और उसके बाद उन्होंने अपने शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने क्या करना शुरू किया? एग्जैक्टली अब पांच रोटियां, अब आप मुझे पांच रोटियां देंगे जी, पांच रोटियां बांटनी है तो हम उसको तोड़े और हम बांटना शुरू करें तो मेरे को लगता है एक ही लाइन में खत्म हो जाएंगी। और प्रभु ने उन्हें कहा कि 50-50 लोगों को करके बिठा दे, उनकी लाइनें लगा के बिठा दे। अब ध्यान से सुनेगा, जब तक वो रोटियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में थी तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हुई, जिस समय वो शागिर्दों के हाथ में आई और शागिर्दों ने बांटनी शुरू की वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। तो मेन प्रिंसिपल समझने वाला इसमें यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको वो सब कुछ दिया है। बोलेंगे सब कुछ दिया है, ऊंचे बोल दो थोड़ा। प्रभु ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमारी जिंदगी में मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बीज है, अगर आपके पास कोई फ्रूट है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सेल्फ जनरेट करती है, तो आपको सिर्फ उस चीज को देखना है और उसे सही एनवायरमेंट देना है जिससे वो मल्टीप्लाई करनी शुरू हो जाए। आपको बीज को कहना नहीं पड़ता चलो उग जा पाई उग जा पाई उग जा पाई। जब वो सही जगह पर डाला जाएगा, जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, वो अपने आप ग्रो करेगा, क्योंकि ग्रोथ का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का डीएनए उसमें ऑलरेडी पैदा करने के लिए डाल दिया गया। तो जब विश्वासी की बात करते, जब रास्तबाज बंदी की बात करते, जब खुदावन के बंदों या बंदियों की बात करते हैं, तो हमारे हाथ में जो कुछ हमें सौंपा गया है वो है जो अपने आप जेनरेट करेगा, जो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर से लाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हमारे हाथ में मौजूद होता है। वी जस्ट हैव टू सी। और यहां पर जब प्रभु ने उन्हें वो बांटने के लिए दिया, तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब आप परमेश्वर के वचन को ओबीडियंटली फॉलो करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तो उस ओबीडियंस में आपके लिए मल्टीप्लिकेशन है। इट्स नॉट आउट ऑफ द ओबीडियंस कि आप उस ओबीडियंस के दायरे से बाहर चले जाए, आप कहें हाँ अब मेरे लिए होना चाहिए, अब नहीं होएगा। जब मास्टर बोलेगा, जब मास्टर ने आपको पकड़ा दिया है और जब वो आपके हाथ में आ गया है, अब उससे मल्टीप्लिकेशन शुरू होगी। जब शागिर्दों ने बांटना शुरू किया, बोलिए बांटना शुरू किया, जब तक शागिर्दों के भी हाथ में था तब तक नहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ था। मैं ये सोच रही थी कि जब पतरस को टोकरी पकड़ाई होगी तो पतरस लेके निकला होगा, उसने एक बंदे को दी होगी रोटी, दूसरे को दी होगी, तीसरे को दी होगी, पांचवें लोग तक बंदे तक पहुंचा होगा, तो सोचा होगा यार छोटी वाली झुकी, बड़ा टुकड़ा मर तो उठा ली, दूसरे के लिए भी बचा दे। फिर उसने देखा होगा हाय यार अभी खत्म हो जाएगी, हाय मैं लाइन के एंड में पहुंचने वाला हूं। फिर उसको लगा होगा मैं क्या करूं, और जैसे लाइन के एंड में पहुंचा होगा वो और हो गई होगी, और जैसे ही वो बांटता गया होगा वो बढ़ती जा रही होगी, और जैसे ही वो बढ़ती जा रही होगी वो प्रभु की तरफ देख रहा होगा ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनके हाथ में सौंपा गया था वो काफी था मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुन के उनके मुताबिक किया था। कई बार आपको लग सकता है यार आज एक जगह हदिया दे दिया, आज दूसरी जगह हेल्प कर दी, वो तीसरी जगह भी देना पड़ा, मैं ही करी जावा, मैं अपना खर्चा कितों चलावांगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पुअर हो जाए, पर कई बार परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पर लाएंगे जहां आपका बीज बोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो ऐसी जगहें होती हैं जहां अगर आपने बीज नहीं बोया तो आप अपनी बरकत से महरूम रह जाएंगे। तो परमेश्वर आपके मन में डालेंगे, आप अपनी पॉकेट की ओर देखेंगे, आप सोचेंगे यार खर्चा भी पे है, यार एवी प्रॉब्लम पई है, यार एवी पई है। और आप विश्वास करें, जैसे ही आप परमेश्वर की आवाज को ओबीडियंट होकर अपने बीज को बोएंगे, आप देखेंगे कि कहीं से सुपर नेचुरली नहीं भी आने वाले पैसे आपको मिल जाएंगे, और परमेश्वर इस बात को जताएंगे कि ही इज अ फेथफुल गॉड। हालेलुया। I have seen this so many times in my life. मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी परमेश्वर ने हमारा हाथ रुकने दिया हो, या कभी भी हमारे कोई खर्चे रुके हो, या कभी भी हमारी लाइफस्टाइल में कोई फर्क आया हो। लेकिन परमेश्वर ने जो दिल दिया है वो ऐसा दिया है कि जहां प्रभु, जैसे प्रभु, जब प्रभु कहते हैं, हम कहते जी परमेश्वर हम आपके लिए अवेलेबल हैं।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं पैसे पे बात करने आई हूँ, मैं पैसे पे बात नहीं करने आई, पैसा सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको लगता है सिर्फ पैसे के साथ चीजें तोली जा सकती, जी नहीं, जो सांसें परमेश्वर ने आपको दी है, हर दिन आप इतनी 86,400 सेकेंड्स जिंदा रहते हैं, क्या करते हैं उन 86,000 सेकेंड्स का? परमेश्वर ने आपको फैमिली दी, परमेश्वर ने आपको काम दिया, परमेश्वर ने आपको रिश्तेदारियां दी, क्या करते हैं आप उसका? ये वो बीज है आपकी जिंदगी में जिन्हें परमेश्वर ने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको दिया। थैंक यू लॉर्ड। अब यहां पे देखें, मैं कुछ प्रिंसिपल्स जैसे आपके साथ बात कर रही हूँ कि प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रही हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे होती है चीजें। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और क्या किया? शुक्र अदा किया। आपको बोलते सबसे बड़ा प्रिंसिपल अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं ना, शुक्रगुजारी सीख ले। दैट इज द की। मतलब मुझे लगता है कि परमेश्वर के वचन में इतनी सारी और चीजें, पर जो काम शुक्र गुजारी कर सकती है ना, जो दरवाजे जो ताले शुक्र गुजारी खोल सकती है, और कोई चाबी नहीं खोल सकते। अब आप बोले पास्टर नहीं तो मेरी लाइफ में शुक्र गुजारी की कोई बात ही नहीं है। नहीं है तो ढूंढ ले, कोई वजह नहीं है तो ढूंढ ले। आप बोलेंगे नहीं मैं तो बीमार हूं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी एमटीएम कलीसिया में, मैंने कहा अगर आप बीमार भी है ना, आपके पेट में भी दर्द हो रही है ना, तो तब भी धन्यवाद देना शुरू करें, थैंक यू करना शुरू करें, प्रभु सिर्फ पेट में तो दर्द हो रही है ना, बाकी सारा शरीर तो ठीक ही है ना, प्रभु सिर्फ यही तो प्रॉब्लम है ना, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम इन माई लाइफ, बाकी तो सारी चीजें ठीक है ना, सो आई गिव थैंक्स टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई थिंग्स। So even if you're facing the worst of situation in your life, try to find out something so good in that to thank God for. तो ये नहीं कि सिर्फ दुखी हो जाओ, दिखी जाओ, ओ ये गलत है, दंद च दर्द हो जाती, दंद च दर्द हो रही, बाकी तो सारा शरीर ठीक है ना। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? पड़ोसी से पूछ ले, समझ आ रही है? आज सारे जागे हुए हैं, इसका मतलब ठीक है, सब सुन रहे हैं। कई जगहों पे मैं जाती हूँ, लोग ऐसे देखने शुरू हो जाते, मेरे को डर लगता है कि कहीं सो तो नहीं गए बैठे बैठे। फिर मुझे पास्टर्स कहते हैं, नहीं पास्टर नहीं, तो वो इतने खो गए थे कलाम में कि वो हाँ और ना ही कहना भूल गए थे। आप जाग रहे? खुदा का शुक्र है। क्या हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद दे सकते? तो जो इंसान शुक्रगुजारी करना सीख गया, वो परमेश्वर से उन आशीषों को भी पाना सीख गया जो शायद उसके हिस्से में नहीं है। आई हैव लर्नड दिस आर्ट ऑफ थैंकिंग गॉड। और ये हमारे इनबॉर्न नहीं होती। आप बच्चे को भी टॉफी पकड़ाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको थैंक यू बोले, वो जब तक नहीं बोलते ना, आप टॉफी छोड़ते भी नहीं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, आप उसको सिखाते बेटा थैंक यू बोलते हैं, तो फिर जब आपको थैंक यू बोलता है, आपको कितनी खुशी होती है, मैंने टॉफी दी उसने थैंक यू बोला। जब परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दे देते हैं और हम उन्हें थैंक्स नहीं कहते, तो परमेश्वर सोचेंगे अगली दिन तो पहला मैं सोचूंगा दोबारा। तो जब परमेश्वर आपको नेमतें दे देते हैं, जब परमेश्वर आपको कोई चीज दे देते हैं, चाहे आपको लगे कि ना लगे ये बड़ी आशीष है कि नहीं, चाहे आपको लगे कि ना लगे कि ये वर्थ इट है कि नहीं, फिर भी बोले थैंक यू परमेश्वर। यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर डूइंग। आपके लिए हो सकता है कि एक नॉर्मल सेकंड हैंड गाड़ी, यूज्ड कार कोई आशीष नहीं हो सकती, पर उस बंदे से पूछे जो बेचारा पैदल आता जाता होएगा अपने ऑफिस। आपके लिए आशीष बड़ी या छोटी हो सकती है, उनसे पूछे जिनके पास वो है ही नहीं। आपके लिए बच्चे परेशान करने वाले बच्चे हो सकते हैं कि दसो यार साढ़े बच्चे तंग ही करते रहते, सारा टाइम ही दुखी कर मारे, उन्होंने को लोग पूछो जिन्हें बच्चे ही नहीं है। तो जो भी परमेश्वर ने आपको दिया, उसके लिए परमेश्वर का शुक्र करना सीख जाए। Whatever has been given to you, this is the first principle of multiplication. Dusra principle, ki
वो तब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा जब तक आप देंगे नहीं। अब कोई भी आशीष, कोई भी ब्लेसिंग जो आपकी जिंदगी में, बस उसको उस जगह पर फिट करके देख लें। अगर आप चाहते हैं कि उसमें मल्टीप्लीकेशन हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें इजाफा हो, बस उसको बांटना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसा दिल दिया है कि जी मैं लोगों के लिए बड़ा कंसर्न्ड फील करता हूं या करती हूं, तो उस कंसर्न को इस्तेमाल करना शुरू करें, उस केयर को लोगों तक पहुंचाना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपका वो एट्रीब्यूट बढ़ता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि जी आप बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ा अच्छा आप कोई काम कर लेते हैं, आपके हाथ में बड़ा स्किल है, उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप देखिए वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज आपके घर पर पड़ी पड़ी नहीं, मल्टीप्लाई होगी। यहां पर दाल खाते हैं, दालें खाते हैं इस मुल्क में? कराच दाल पहिया हुई है? जिन्हें पहिया जरा हाथ हिला के दिखा दो। ओके, आपके घर में दाल पड़ी है, मेरे भी घर में, हम लोग कंटेनर्स में दाल रखते हैं, आप भी कंटेनर्स में रखते हैं? मैं सोचा शायद हम भी खा के डिफरेंट रखते होने। ओके, आप कंटेनर्स रखी दिया, आई एम श्योर आप भी कंटेनर में रखते होंगे। तो जब कंटेनर में दाल पड़ी होती है, तो कितनी बार आपने देखा कि दाल उग गई? देखा, मेरे तो कभी कंटेनर में दाल नहीं उगी। मैं कई बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे बच्चों के साइंस के एक्सपेरिमेंट होते, तो उसमें से जैसे राजमा निकाल लिए, तो फिर वो हम नीचे वो उसको बना के, वो कॉटन का एक वो लगा के, फिर उसके ऊपर दाल और या वो चने या राजमा रखते हैं, फिर वो जर्मिनेट करते हैं। तो कब करते हैं? जब आप उसे निकाल कर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्यों आज की जिंदगी में, क्यों आज के टाइम्स में भी परमेश्वर के लोग जो है वो पॉवर्टी के साथ, डिफिकल्टी के साथ, मुसीबतों के साथ, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के साथ जूझ रहे? क्योंकि उनके हाथ में जो बीज दिया जाता है उनको रिलीज करना ही नहीं आता। वो बीज नो भी फाड़ के पॉकेट से पास छाड़ दे, नहीं जी ये मेरी पर्सनल यूज वास्ते है। देखिए वचन बताता है परमेश्वर बीज बोने वाले को बीज देते हैं और खाने वाले को रोटी देते हैं। सो बीज डिफरेंट होता है, रोटी डिफरेंट होती है। आप बीज को खा के नहीं कह सकते जी नाउ आई एम सो सैटिस्फाइड। नो, यू हैव टू सो योर सीड। तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि जो आपको दिया गया है, जो आपके हाथ में है, उसे रिलीज करें, उसे आगे भेजें ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके। अगर चेले पकड़ के बैठ जाते, प्रभु जी नहीं बस बहुत है, पांच रोटियां कितने लोग खा लेंगे? कोई गल नहीं प्रभु, असं आपस से वंड लेने, लोगों को की देनी है, एटलीस्ट हम लोग तो खा के तृप्त हो जाए। पर जब उन्होंने बांटना शुरू किया, बोले बांटना, जब उन्होंने बांटना शुरू किया तब वो मल्टीप्लाई होना शुरू। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया, स्किल दिया है, टैलेंट दिया है, अच्छा व्यवहार दिया है, केयर दी है, पैसा दिया है, टाइम दिया है, सेहत दी है, नेमते बख्शी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बांटना शुरू करें। अगर आप चाहते कि वो मल्टीप्लाई करे, अगर तुम कहते नहीं जी कल भी जितने सी आज भी उतनी रहना चाहने तो कोई टेंशन नहीं, बैठे रहो। सो ये सेकंड प्रिंसिपल है। और तीसरा प्रिंसिपल, धन्यवाद करने के बाद, शुक्रगुजारी करने के बाद क्या किया? ना जी ना, शुक्रगुजारी करके उसे क्या किया? टूटना एक प्रोसेस है। पुराने जमाने में जब वो, आपको याद होगा कि एक औरत आई थी और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने इत्र को उड़ेला था, तो क्या किया था? उससे पहले उस बोतल को तोड़ा गया था, अल्बेट्रॉस का वो जार तोड़ा गया था। देखिए जब कुछ टूटता है तब कुछ निकलता है। और अगर आज आप ये सोचते हैं कि आपकी सिचुएशंस आपको तोड़ती क्यों है, वो इसलिए तोड़ती है ताकि आप में से कुछ बेहतर और भला निकाला जाए। सो जब आपकी सिकनेस, जब आपके डिप्रेशन, जब आपका डिस्ट्रेस, जब आपके रिलेशनशिप्स आपको तोड़ने के लिए आए, तो उन्हें ऐसा ना सोचे कि कोई अनहोनी घटना आपके साथ घट गई है। इस बात को जाने के लिए परमेश्वर आपको इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई कर सके। और जो इंसान उस टूटने की प्रक्रिया में से, उस प्रोसेस में से होकर गुजरेगा और सस्टेन कर जाएगा परमेश्वर पर भरोसा रखकर, वो देखेगा कि परमेश्वर सिर्फ उसको बनाते ही नहीं है, परमेश्वर सिर्फ उसे संजोते ही नहीं है, सिर्फ उसे जोड़ते ही नहीं है, उसे ऊंचा भी उठाते हैं। सो डू नॉट डिस्पाइज
उन समों को, उन उन सिचुएशंस को डिस्पाइज ना करें जहां आपको तोड़ा जाता है। कई बार आपको महसूस हो सकता है, नहीं पास्टर नहीं तो ये चीज ने तो मुझे तोड़ के रख दिया है। बहुत अच्छी बात है, टूटना अच्छा है। पड़ोसी को बोले टूटना अच्छा है। टूटेंगे तो बनाए जाएंगे, और जब बनाए जाएंगे तो ऐसे बनाए जाएंगे कि दुनिया देखेगी और कहेगी वाह जी वाह, ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। सो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सारे प्रिंसिपल्स में, ये सब कुछ तब हुआ जब वो प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में थे। कई बार आपको ये सुनने को मिला होगा छाटपुरी की जाना कलीसिया, हर संडे जाने की लोड़ है कलीसिया, हर मीटिंग से जाने की लोड़ है। व्हाट इज द नीड टू गो एवरी मीटिंग? हो सकता है आपके लिए जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो। यार ठीक है कोई गल नहीं, जा रहे मेरा दिल करता। आपके लिए शायद जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन यहां पर देखिए ये सब कुछ, ये सब मौजूद, ये सब मल्टीप्लीकेशन, ये सब काम तब हुए जब प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलो। अगर आपको अपना छुटकारा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। अगर आपको अपनी बरकत चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। और आप बोले हाँ जी हम घर बैठ के भी तो दुआ बंदगी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रेयर डिफरेंट होती है, कॉर्पोरेट प्रेयर डिफरेंट होती है। जो काम इंडिविजुअल प्रेयर कर सकती है वो अलग है, जो काम कॉर्पोरेट प्रेयर कर सकती है वो डिफरेंट है। इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब आपके मन में शैतान ये डाले ना छाट पर आरजू की करना है, बंदगी दिखाना की करना है, तो समय कहीं मैं जाना है, क्योंकि जब आपको रोका जाएगा वही वो दिन है जिसमें आपको बरकत मिलने वाली है। हालेलुया। हमारी कॉन्ग्रिगेशन में एक भाई है, दो बार उन्होंने ये बात शेयर की। एक बार उनकी कोई बहुत मेजर बाजू में प्रॉब्लम थी, कोई एक्सीडेंट हुआ और बाजू में कोई प्रॉब्लम थी, और वो भाई उस संडे नहीं आना चाह रहे थे। उनकी वाइफ ने बड़े धक्के से उनको, बड़े इसरार कर करके उनको लेकर आए कि नहीं आप चलें, आप चलें, आप चलें। वो आए और उस दिन हीलिंग परमेश्वर ने ऐसी उस जगह पर करी कि हर चीज, क्रॉनिक डिजीजेस भी ठीक हो रही हैं, हर चीज ठीक हो रही है। और वो बंदा बिल्कुल ठीक जब आया तो बाद में कहता पास्टर जी आज तो मैंने आना नहीं था संडे को, वो तो मेरी वाइफ मुझे लेकर आ गई, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा जिस संडे आपका आने को मन ना करे ना, वही संडे आपके ब्रेक थ्रू का संडे होता है। हालेलुया। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब आप किसी बंदगी में, जब आप किसी मीटिंग में, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में चाह रहे हो और आपका मन करे छट बुरे की करना, छट बुरे नहीं जाना, रहन दे, क्लेश हो रहा है, झगड़े हो रहे, लड़ाइयां हो रही है, मन नहीं कर रहा, आप कह रहे दफा कर नहीं जाना, वही वो दिन होगा जिसमें परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर दिखाएंगे। क्योंकि शैतान नहीं चाहता, बोले नहीं चाहता, उच्चे बोलो, शैतान नहीं चाहता कि आप उसके चंगुल से बाहर निकाले जाएं। वो तो यही चाहता कि आप उसी के विक्टिम बन के बैठे रहे। उसे पता है कि अगर आप जाएंगे तो आपकी जिंदगी में काम होगा, और जब काम होगा तो आप उससे आजाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, इन प्रिंसिपल्स को याद रखें ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने जो मल्टीप्लीकेशन के लिए चीजें ठहराई हैं वो आप अपनी लाइफ में देखने भी पाए, विटनेस भी करने पाए, और उन्हें अपने साथ ले लेकर चलने फिरने भी पाए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। वर्शिप टीम के कुछ म्यूजिक पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ लोग आ सकते हैं, तो प्लीज आ जाएं। एडिक्शन से छुटकारा मिलने जा रहा है। धन्यवाद हो मेरे जिंदा परमेश्वर।
आज आपकी एडिक्शन के बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एडिक्शन सिर्फ सिगरेट बीड़ी शराब तंबाकू की होती है, तो सिर्फ एडिक्शन इस चीज की नहीं होती है, हर बुरी आदत की भी एडिक्शन होती है। और आजकल तो मोबाइल फोन्स की भी एडिक्शन होती है, गॉसिप करने की भी एडिक्शन होती है। जब आपको कोई मिलता नहीं ना बात करने के लिए, वो किन्नू दस्सा किन्नू दस्सा किन्नू दस्सा, तो वो एडिक्शन होती है आपकी किन्नू दस्सा वाली। तो आज बहुत सारे लोगों को एडिक्शन से निजात मिलने वाली है। पर अगेन, अगर आप खुद चाहेंगे तो उसे कहो नहीं जी मैं तो ही रहना चाहना तो फिर नहीं मिलनी। अगर आप खुद विलिंग हैं इस बात के लिए कि जी प्रभु मुझे झूठ बोलने की एडिक्शन है, मुझे इससे छुटकारा दे, मुझे फलाने चीज से जो है एडिक्शन है मुझे इससे निजात दे, तब आपको उसमें से छुटकारा मिलेगा। अगर आप यही कहेंगे कि नहीं जी ये केड़ी माड़ी गल है मैं तो प्यार है, फिर कोई छुटकारा छुटकारा नहीं, फिर उन्होंने लाइफ च होना जो चाहते ने कि उन्होंने लाइफ च हो। सोचों पे कब्जा ख्यालों पे कब्जा, प्रभु जी आप इस जगह पर मेरे खुदावंद इस समय अपने कंप्लीट कंट्रोल को ले ले। सोचों पे कब्जा ख्यालों पे कब्जा, होठों पे कब्जा बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। ओ वाला ते Lord, let your holy angels be released in this place. Yes, you've started working in this place, Master, and I thank you for this. Hokinaya Ruhande Hakebruhu. Yes, Parmeshwar ke Pavitra Atma ne Pakru ne is jagah par kabza lekar kaam karna shuru kar diya hai. तो जो भी आपकी एडिक्शन है, जो भी आपके ऐसे चंगुल हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं, उसमें से निकलने के लिए आज परमेश्वर के सामने इस बात को रखें कि प्रभु मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं। लॉर्ड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनी मोर, प्रभु मैं इसमें पड़ा नहीं रहना चाहता, आज आप मुझे छुटकारा दें। होठों पे कब्जा बातों पे कब्जा, आज अपने जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर के सामने लेकर आए और बोले प्रभु आप इस पर कब्जा कर ले। बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिन्हें आप नहीं संभाल सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनमें से आप नहीं निकल सकते, बहुत सारी ऐसे एडिक्शंस होंगी जिन्होंने आपको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि आप चाहकर भी उनमें से नहीं निकल सकते। आज परमेश्वर का रूह आपको छूकर आपको आजादी देगा। होठों पे कब्जा बातों पे कब्जा, होठों पे होठों पे कब्जा बातों पे कब्जा, होठों पे कब्जा कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह।
समय आप अपने लोगों की जिंदगियों पे कब्जा कर लें। जिन लोगों को झूठ बोलने की, जिन लोगों को गॉसिप करने की एडिक्शन है, इस समय बोले प्रभु मेरी जुबान पर, प्रभु मेरे होठों पर आप कब्जा कर लें। आपको इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी की जजमेंट करने की एडिक्शन है ना, हर बंदे की गलतियां खामियां निकालने की एडिक्शन है, तो आज बोले प्रभु मेरे जहन पर कब्जा कर ले। अगर आपको लोग अच्छे नहीं लगते, हर बंदे में कोई बुराई नजर आती है, तो बोले परमेश्वर मेरे मन पर कब्जा कर ले, मुझे सिर्फ दूसरे की अच्छाई नजर आए, मुझे बुराई नजर ही ना आए। कर ले कब्जा है पागलू, कर ले कब्जा है पागलू, कर ले कब्जा है पागलू, कर ले कब्जा है पागलू। Thank you Lord, come on, come on, कर ले कब्जा है पागलू। पाकरू 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 कर ले कब्जा। हालेलुया, कर ले कब्जा है पागलू, कर ले कब्जा है पागलू। अगर आपके हाथ आपसे गुनाह कराते हैं, अगर आपका मन गुनाह करने को करता है, तो इस समय अपने मन पे हाथ रख सकते हैं। प्लीज इधर उधर मत देखिएगा, एंड डू नॉट जज एनीवन, प्लीज डू नॉट जज एनीवन। अपनी अपनी लाइफ को देखें, इधर उधर ना देखें। अच्छा उन्हें हाथ रखा सी, आप अपना देखें, उसको मत देखें। जिनको लगता है कि आज छुटकारे की जरूरत है, अपने मन पर हाथ रखे, बोले प्रभु मुझे इस चीज से, इस प्रॉब्लम से छुटकारे की जरूरत है। हाँ मैं मानता हूं मुझे छुटकारे की जरूरत है। Come on, come on, come on. Dear Holy Spirit, come on. Come on, yes, I allow you to work in this place, Master. Let you touch your people this morning. Prabhu, ab apne logon ko chhuye aaj ke is subah mein. Aaj ke is din mein apne logon ko chhuye mere Raja. Aur Prabhu, jis cheez ki, jis addiction ke chungal mein se chutkare ki zarurat hai, aaj wo chutkara mil jaye Prabhu Yeshu ke naam mein. Thank you, Lord. Thank you, Master. इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन से आजादी चाहिए। Don't look here and there. I'm doing only what I'm instructed to do by the Spirit of the Lord. If you're dealing with depression and you're dealing with acute stress, जिसे आप संभाल नहीं सकते, आप इस समय अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं, आप अपने दिमाग पे हाथ रख सकते हैं। Just keep your hand, उस जगह पर अपने हाथ को रखें। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर दम का है, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, कब 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 कबे कब्जा है। यस राइट नाउ रिसीव योर हीलिंग, हीलिंग फील इन द नेम ऑफ जीसस, डिप्रेशन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Yeshua. Yes, 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 right now. Right now, come on, come on, come on. Receive, receive, receive. Receive your healing right now in the name of Yeshua. Thank you, Master. Come on, come on, come on. Receive your healing right now in the name of Jesus. Come on, receive, receive, receive your healing right now in the name of Jesus. Receive your healing right now.
करने कब जाए पाखरू. Come on, receive, receive, receive. Depression out in the name of Jesus. Depression out. Come on, receive your healing right now in the name of Jesus. Thank you, Master. Thank you, thank you, thank you. Yes, 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 Master. Come on, touch her, fill her, fill her, fill her afresh in the name of Jesus. Yes, fresh, fresh, fresh anointing. Yes, fresh anointing in the name of Jesus. Kar le kabza hai pakaru, 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 जगह पर इस जगह पर किसी को नर्व्स की जैसे अकड़न पड़ते हैं, नर्व्स की खींचने की प्रॉब्लम से आजादी मिल रही है. मैं महसूस कर पा रही हूं आपके टांगों में नर्व्स खींच जाती हैं, और इस समय में किसी की थाइज की प्रॉब्लम से भी, थाइज में दर्द से भी छुटकारे को देख रही हूं. जो है अपने हाथ को, ओ अपने हाथ को रखें उस जगह पर. इसी घड़ी आई रिलीज द वर्ड ऑफ हीलिंग. रिसीव करें उसे, परमेश्वर की चंगाई के वचन को रिसीव करें इस समय. प्रभु जी, मैं आपकी चंगाई को भेजती हूं इन टांगों में प्रभु यीशु के नाम में. प्रभु इस समय, कम ऑन, हाथ रखें उस जगह पर. प्रभु मैं आपकी चंगाई को, कम ऑन राइट नाउ, आई रिलीज इट इन द नेम ऑफ यीशु. वैरिकोज वेन्स, दिस प्रॉब्लम आई अरेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस. थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे संता परमेश्वर. सिस्टर, आप जो ब्लू ड्रेस में है, ब्लू ड्रेस में आप जो इधर उधर देख रही है ब्लू ड्रेस में, यस आई एम टॉकिंग टू यू, यस आगे आ जाए. When I looked at you, I saw that you're battling with something that you are not able to speak it out. You're battling with things, और आप अंदर ही अंदर जूझती जा रही हैं, और आप किसी से बात नहीं कर पा रही हैं. आप प्रार्थना करना तो चाहती हैं, पर आप प्रार्थना खुल के कर नहीं पा रही हैं. और जब आप प्रार्थना नहीं कर पा रही हैं, आप सोल्यूशन को देख नहीं पा रही हैं, और आपको दूर दूर तक वो सोल्यूशन दिख भी नहीं रहा है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं. As I speak to you, I'm releasing the grace of God. I'm releasing the grace of God. For a breakthrough in your situation. Now that you sit in prayer, God will quicken your heart. He will quicken your spirit, and you will be able to pray according to the will of God in your life. And once you start praying according to the will of God, you will see a mighty breakthrough coming in your life. In Jesus' precious name. Amen. Thank you, Master. आप, यस आप क्या काम करते हैं? ओके, बिकॉज आई सॉ योर हैंड्स, कि आप अपने कामों को, आप अपने हाथों से उस अपनी लिविंग को कमाते हैं. यू हैव, दिस इज अ वर्क दैट यू डू विद योर हैंड्स. गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर हैंड्स. हालेलुया. When I look at you, I sense it in my spirit, brother. There has been a seed जो आपने खुदा के राज्य में बोया है. आपने बोकर ये सोच लिया था कि प्रभु मेरी जरूरत तो है, लेकिन मैं ये बो रहा हूँ.
और ये अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, आपने ऑलरेडी पहले बो दिया हुआ है, आपको उस बीज का एक बड़ा अजर मिलने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। रिसीव इट राइट नाउ। ओह, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर ब्रदर, इन जीसस प्रेशियस नेम आई से आमेन। White shirt? Yes. आपके साथ जो आए उन्हें भी ले आना। When I looked at you, I saw humility all over you. परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे अपने आप को दीन करो, हम्बल करो, और वो तुम्हें ऊंचा करता है। आपका ऊंचा उठने का टाइम आ चुका है प्रभु यीशु के नाम। I'm seeing you from your younger years, the years when you were in probably your school and then you were graduating into your college. I see those days and I see you being surrounded by friends who were not all very good, but you kept that humility in your life. I'm able to see those years जिसमें आपको परमेश्वर के रास्ते से अलग करने की बड़ी कोशिश की गई, पर आपने सिर्फ परमेश्वर को फॉलो ही नहीं किया, आपने ह्यूमिलिटी के साथ परमेश्वर को फॉलो किया है, और आपने उस ह्यूमिलिटी की वजह से बहुत सारे रिपरकशंस भी महसूस किए हैं। आपके ऊपर बड़ा सारा सताव, बहुत सारे लोगों ने आप पे बड़े सारे तंज भी कसे, इसलिए क्योंकि आप बहुत हम्बल हैं। और जस्ट बिकॉज यू हैव बीन फेथफुल एंड हम्बल ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब आप भटक सकते थे, आप नहीं भटके। आज वो समय आ पहुंचा है, आई एज अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड अनलॉक दैट अपलिफ्टमेंट इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ यीशुआ हमशीह। नाउ फोर्थ, आई रिलीज इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। नाउ फोर्थ फ्रॉम दिस ऑन, आज ही से आप अपनी जिंदगी के वो दरवाजे अनलॉक होते हुए देखेंगे जिन्हें आप अनलॉक होते हुए देखना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम में। एंड सिंस यू आर रिलेटेड, सिंस यू आर रिलेटेड, यू आर गोइंग टू सी एज अ फैमिली अमंगस्ट द सिबलिंग्स द ब्लेसिंग्स नॉट जस्ट अपॉन हिम बट आपके भाइयों के ऊपर, आपकी बहनों के ऊपर, आपके कजन्स के ऊपर, आपके घर के माहौल के ऊपर परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स को आप आते हुए देखेंगे। एंड यू ऑल्सो एज अ सिस्टर विल सी दोज ब्लेसिंग्स कम अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज इट इन द नेम ऑफ जीसस, इन जीसस प्रेशियस नेम। आमेन, आमेन। बी ब्लेस्ड बेटा, गो रिजॉइसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। वाओ, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। मैरून से कलर के कोई कपड़े पहने हुए हैं पीछे, सिस्टर लास्ट, हाँ आप यस आगे आ जाए, कम ऑन, थैंक यू मास्टर, शुक्र, कम ऑन, यस।
समझ जाते हैं? पंजाब तो ही है। हाँ जी, कितों? पटियाले तो। वाह, अच्छा जी, प्रभु का शुक्र है। नाम की थोड़ा अनु, सिस्टर अनु जी, तो अनु मैं देखिया ना, मैं महसूस किया कि परमेश्वर इस गल कह रहे, थोड़िया लड़ाइया थोड़िया नहीं है, परमेश्वर दिया। जिन लड़ाइयों को आप लड़ रहे हैं वो लड़ाइयां आपकी नहीं है और आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चुप रहकर, शांत रहकर परमेश्वर के उद्धार के काम देखें, क्योंकि अब से आपकी लड़ाई परमेश्वर यहोवा खुद लड़ेंगे और आप उसको जीत में बदलते हुए देखेंगे आपके लिए। और आपकी उन लड़ाइयों को जिन्हें अभी तक लड़ते लड़ते आप थक गए थे, उन लड़ाइयों को जब परमेश्वर आपके हाथ में देंगे, वो नतीजा सिर्फ विक्ट्री होगा। और आप उस ट्रॉफी को लेकर जब चलेंगी, वो आपकी गवाही होगी कि मैं यीशु का पल्ला फड़िया तो उन्होंने मैनु शर्मिंदा नहीं होण दिता। I release that grace in your life in the name of Jesus to win the battles that God is fighting for you and to take the trophy from the hands of God in Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sister ji, jinhone blue color ka dupatta sir pe liya hua hai. Yes, blue. Yes, yes. More punky color. Yes, yes, yes. Come. इस समय किसी की कमर की दर्द ठीक हो रही है, इस समय किसी की कमर की साइड की दर्द ठीक हो रही है, आपकी आपकी कमर की साइड की दर्द। कौन कौन है यहां पर जिनकी कमर की साइड में दर्द है? पीठ में हाथ रखे, उस जगह पर हाथ रखे। आपकी इसी समय कमर की दर्द ठीक हो रही है प्रभु यीशु के नाम में। राइट नाउ आई रिलीज द हीलिंग ऑफ माई लॉर्ड यीशुआ। यस, हीलिंग बी, I speak in the name of Jesus. Right now, be healed in the name of Jesus. Ji. Ji. ये वही है जिनके लिए प्रार्थना की थी? तपिश जी, प्रेयर वॉरियर्स हम आगे आ जाएंगे। बट बिफोर दैट सिस्टर, बिफोर आई फॉरगेट व्हाट God has to say for you. Thank you, Master. Okay, Hana Haba Rahuanda Samineka Hata Rahusubu. Thank you, Lord. I see you. जब मैं आपको देख रही हूँ मेरी बहन, जब मैं आपको देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप ना जैसे वो टग ऑफ वॉर नहीं होती कि रस्सा खींची वाली जो है, आप वो कर रही हैं कि आप अपनी तरफ खींच रही हैं उन चीजों को जो रिलीज करने की जरूरत है। और मैं देख रही हूँ कि आपने इतनी इतनी मेहनत की है उन चीजों को खींचने में, अपनी एफर्ट लगाकर उन चीजों को जीतने में अपनी कोशिश की है, पर आपको वो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब आपको उसको सिर्फ लेट गो करना है, आपको सिर्फ वो रस्सा छोड़ना है। और जैसे ही आप रस्सा छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका है वो आपके पास वापस लौट कर आएगा प्रभु यीशु के नाम में। यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स। आपको सिर्फ जो आपने आज पहला प्रिंसिपल सीखा शुक्रगुजारी का, वो यूज करना है। और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देने के, प्रभु आपने मुझे जीत दे दी है। बी ब्लेस्ड सिस्टर, कम बैक विद द टेस्टिमनी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेयर वॉरियर्स, कम ऑन, लेट्स जस्ट प्रे, नॉट जस्ट प्रे बट लेट्स सी द पावर ऑफ गॉड इन डेमोन्स्ट्रेशन इन दिस प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके कलाम की बातें सिर्फ बातें नहीं है प्रभु, उनमें सामर्थ है। और प्रभु आपके सुसमाचार में, मेरे खुदावन, आपके प्रभु गुड न्यूज में वो पावर है मेरे खुदावन। आज उस पावर को हम भाई तानिश की जिंदगी में रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। As I lay my hands, Father, I speak healing upon his body in the name of Jesus. Healing every part of his body. Receive your healing. Every organ of this body, receive your healing in the name of Jesus. Kidneys, receive your healing. Liver, receive your healing. Heart, receive your healing. Brain, receive your healing. Blood, receive your healing. Receive it right now. Come on. Healing be in the name of Yeshua. Thank you, Master. प्रभु, हम इस सिकनेस की स्पिरिट को अरेस्ट करते हैं इस शरीर में से, और प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकलने का हुक्म देते हैं।
राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ अबा वी थैंक यू फॉर दिस डिलीवरेंस वी थैंक यू फॉर दिस माइटी वर्क दैट यू हैव डन एंड आई प्रोनाउंस्ड दिस जेंटलमैन हील्ड इन द नेम ऑफ यीशु हीलिंग बी आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ आमेन 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 अब लेकर जाए और एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए प्रभु यीशु मसीह नाज़रेथ के नाम से जूझ रहे हैं वो उस हिस्से पर अपने हाथ को रख सकते हैं जहां आपको प्रॉब्लम है जहां आपको चंगाई की जरूरत है उस जगह पर अपने हाथ को रखें आपके छूने का प्रमाण ये हो आपके छूने का प्रूफ ये हो कि प्रभु आपके लोग बीमारियों से रोगों से निजात पाए प्रभु यीशु के नाम में और मेरे खुदावंदा आपकी शिफा इसी घड़ी से इन शरीरों में इन ऑर्गन्स में दिखाई देनी शुरू हो लॉर्ड लेट योर हीलिंग फ्लो लेट योर हीलिंग फ्लो लेट योर हीलिंग फ्लो लेट योर हीलिंग फ्लो Let your healing flow, my master. Let your healing flow. प्रभु जितने लोगों ने अपने हाथ को रखा है पवित्र आत्मा आप उनके हाथों के ऊपर हाथ रखें और प्रभु आपके छूने का एहसास उन्हें हो सके Yes. इस समय आपको कोई इंसान नहीं छू रहा है इस समय आपको पाक रू छू रहे हैं और जब खुदावन पाक रू आपको छुएंगे आप शिफा को हासिल करेंगे क्योंकि वो शिफा परमेश्वर ने आपके लिए रिलीज करवाई है जी मैं आपका धन्यवाद देती हूं आपके लोगों को चंगाई देने के लिए उन्हें शिफा देने के लिए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नाज़रेथ के जिंदा नाम में आमेन आमेन देयर इज समवन हु इज रिसीविंग हीलिंग इन द आर्म्स बाजुओं की दर्द से आपको हीलिंग मिल रही है बाजुओं की दर्द वाले कौन है यहां पर बाजू की दर्द आपको इसी समय परमेश्वर हील कर रहे हैं आपको इस समय परमेश्वर हील कर रहे हैं आप उस हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं यू आर गेटिंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस थैंक यू मास्टर धन्यवाद हो सुंदर परमेश्वर प्रभु जी सारी बातों में मेरे खुदावन हम आपके नाम को ऊंचा करते धन्यवाद देते हैं आज इस जगह पर आपने जो जो काम किए मेरे प्रभु होने दें कि आपके लोग उन कामों में बने रहे और बढ़ते रहे जो बीज आपने बोए हैं मेरे परमेश्वर जिस भी उनकी लाइफ के सफर में प्रभु जी वो बीज बहुत सारे फल लेकर आए वो बीज बहुत फलवंत हो और प्रभु जी कोई भी बीज शैतान की कोई भी शरारत की वजह से चुराया ना जा सके धन्यवाद देते मेरे जिंदा परमेश्वर आपको सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह नाज़रेथ के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं आमेन आप इस जगह पर से जाने से पहले प्लीज अपने बॉडीज को चेक करके जाइएगा और अगर आपकी गवाही है तो गवाही को बताकर भी जाइएगा और अगर आप अपनी गवाही को डायरेक्टली हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें YouTube चैनल जो हमारा है नीतू पी चौधरी ऑफिशियल वहां से नंबर्स लेकर हमारे प्रेयर टावर पर भी कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं और एक वीडियो थी जो हम चलाना चाह रहे थे जो चली नहीं पर मैं आपको वैसे ही बता दूं कि परमेश्वर आपकी दुआओं के नतीजे से इंडिया में और दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े काम करवा रहे हैं
और वो काम इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप जरूर हमें और इस सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को जो खुदा ने हमें खिदमत दी है, उसे अपनी दुआओं में रखिएगा। और जो लोग वाकई कहते हैं कि हाँ जी पास्टर नहीं, तो कम से कम 5 मिनट हम रोज आपके लिए दुआ कर रहेंगे, तो वो जरा अपने हाथों को खड़ा करके दिखाएं जो हमारे लिए रेगुलरली प्रे करेंगे। अब आपने मेरे साथ नहीं कमिटमेंट किया, आपने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट किया है, तो आपको रोज मेरे लिए और हमारी खिदमत के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और इस मिनिस्ट्री की जरूरतों के लिए भी आप खुदावंद के सामने दुआ कर रहिएगा, ताकि परमेश्वर अपनी हदों को बढ़ाए, ताकि परमेश्वर उन कामों को बढ़ाए जिसे प्रभु ने हमें सौंपा है। और प्रभु ने चाहा तो दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी और आपकी बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनने के लिए हम बड़े खुश और बड़े लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे होंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। जोरदार तालियां खुदा की हजूरी के लिए। सिस्टर जी थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, हमारी इनविटेशन कबूल करने का, और हम सबको बहुत आपके इस ट्रिप से बरकत मिली है। इनकी प्रेजेंस, मैं इनको कहता हूँ ये शेरनी है, ये बिल्कुल नहीं डरती किसी बात से, हालातों से नहीं डरती, इंसानों से नहीं डरती। एंड आई ऑलवेज लव द बोल्ड पीपल। थैंक यू वेरी मच।